सोमनाथ की कथा। सोमनाथ, बताइए सोमनाथ की कथा के बारे में बताइए मुझे। एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने जामाता चंद्रमा से कुपित होकर उन्हें क्षय होने का श्राप दिया। अपनी व्याधा को पत्नी का स्थान न देकर तुमने घोर अपराध किया है चंद्रमा, इसलिए मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूं। चंद्रमा, एक माँ से उसकी संतान छीनने का महापाप मत कीजिए प्रजापति। इसने जो भी किया आप उसका दंड मुझे दे दीजिए प्रजापति। संसार के उद्धार के लिए उसका विनाश अनिवार्य था। चंद्रमा को ठीक करने का एक उपाय है महामृत्युंजय मंत्र। कहते हैं मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उसे सिद्ध किया और अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। महादेव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जो कोई भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। परंतु समाधान का मार्ग दक्ष ने बंद कर दिया है, शिव को श्राप देकर उन्हें पूजा अर्चना से वंचित कर दिया है। मैं आपको श्राप देता हूँ, आज के पश्चात संसार में कोई भी कहीं भी आपकी पूजा नहीं करेगा। मुझे महामृत्युंजय मंत्र देने में कोई आपत्ति नहीं होती, यदि शिव श्रापित नहीं होते, जब उनकी पूजा ही नहीं हो सकती तो मंत्र लेकर आप करेंगे क्या? फिर क्या हुआ चंद्रमा? चंद्रमा का क्या हुआ? जब दक्ष ने शिव को श्राप दिया तब शिव शक्ति से अलग थे, मतलब शिव के केवल एक भाग को ही श्राप लगा। शिव का दूसरा शरीर यानी सती अब भी श्राप से मुक्त है। यदि हम सती की पूजा करें संभव है वही हमें चंद्रमा की मुक्ति का उपाय बताएं। आप इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? इन पर तो श्राप है। इनके पुत्र का दोष श्रापित शिव की पूजा से ही दूर हो सकता है। आप शिव को धारण करें फिर हम शिव की पूजा करेंगे तो संभव है शिव हमसे प्रसन्न होकर इनके पुत्र के सारे दोष दूर कर दें। प्रजापति दक्ष यदि बिगाड़ना जानते हैं तो बिगड़े को संवारने की शक्ति भी रखते हैं। मैं एक नया ग्रह बनाऊंगा जो चंद्रमा की कमी पूरी कर देगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मेव बंधनामृत्योर्मोक्षेयमामृतम। महामृत्युंजय भी अब चंद्रमा की अकाल मृत्यु को नहीं रोक सकता। बस कुछ ही क्षणों में मेरा नया ग्रह व्योम बनने वाला है। महादेव चंद्रमा को जीवन दान देने आ गए। आपने मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। प्रजापति के श्राप से मुक्त नहीं हुए हैं चंद्रदेव। आपने रेवती से अपनी सहमति से विवाह किया, अतएव उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान और अधिकार देना आपका कर्तव्य है, परंतु आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और ये एक अपराध है। और अपराध के उत्तर में दंड मिलना निश्चित है। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को दंड देकर बिल्कुल सही किया। कोई सामान्य पिता होता तो आपका अवश्य क्षमा कर देता, किंतु वह सामान्य नहीं, वो प्रजापति दक्ष। इस समाज के संचालन का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर। यदि वो अपने जमाता को क्षमा कर देते तो इस समाज में गलत संदेश पहुंचता। मुझे अति प्रसन्नता है प्रजापति ने अपने पारिवारिक संबंधों को त्याग कर न्याय धर्म का पालन किया। माफ कर दीजिए प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि व्यक्ति को मैं भविष्य में पूर्ण सम्मान दूंगा। फिर क्या हुआ? चंद्रदेव का अपराध क्षमा योग्य नहीं, परंतु सृष्टि के हित के लिए मैंने जीवन दान अवश्य किया।
यद्यपि मैं इन्हें प्रजापति के श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, परंतु अपने शीश पर धारण कर प्रजापति के श्राप से अवैधान अवश्य दे सकता हूं। फिर महादेव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण किया। हर हर महादेव। प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण मास के 15 दिवस तक आपका क्षय होगा चंद्रदेव, और प्रतिदिन आपका आकार छोटा होता चला जाएगा, परंतु मेरे अवैधान के कारण फिर 15 दिवस तक प्रतिदिन आपका आकार बढ़ता चला जाएगा, और आप पूर्णिमा को अपने वास्तविक आकार में आ जाएंगे, और आपका ये चक्र हर माह सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। महादेव, मैं इस स्थान पर आपका भव्य मंदिर बनाऊंगा, और आज से इस स्थान को सोमनाथ तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार महादेव ने चंद्रमा को प्रजापति दक्ष के श्राप से अभयदान देकर समस्त लोगों का कल्याण किया। हट जा मूर्ख, दूषण के मार्ग में अवरोध करने वाला जीवित नहीं रहता, हट। ये महादेव की तपस्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें इन चारों को कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। तो सुन ले, मैं महादेव के भक्तों का ही काल हूँ, नाम है मेरा दूषण। यदि तुम महादेव के भक्तों का काल हो तो महादेव तुम जैसे दुष्ट दैत्यों के महाकाल है। प्रभु प्रभु प्रभु, दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके भक्तों को सदैव आपका संरक्षण प्राप्त है,
ये पुनः प्रमाणित हो गया प्रभु। हाँ, संरक्षण है, अवश्य है। किंतु मेरे भक्तों को यह समझना आवश्यक है कि केवल मेरा नाम जाप पर्याप्त नहीं, कर्म करना भी अनिवार्य है। उसके पश्चात ही उचित फल की प्राप्ति हो सकती है। किंतु प्रभु, हम और करते भी क्या? अकेले दैत्य का सामना करना हमारे लिए असंभव था प्रभु। प्रभु, दूषण अत्यंत शक्तिशाली था। शक्तिशाली था क्योंकि तुम सबने उसे शक्तिशाली बना दिया। उससे अकेले युद्ध करना संभव नहीं, किंतु यदि तुम सभी संगठित होकर उसके साथ युद्ध करते तो क्या वो तुम्हें पराजित कर पाता? किंतु तुमने कभी भी अपनी संगठित शक्तियों को आंकने का प्रयास ही नहीं किया। जो अपनी ही शक्तियों का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाए, वो किसी और की शक्तियों का उचित मूल्यांकन कैसे कर सकते? किंतु स्मरण रहे, या तो तुम में भय वास कर सकता है, या मैं और मेरी शक्ति। जब भी तुम भयभीत होते हो तो तुम अपने अंदर वास कर रही मेरी शक्ति से अधिक महत्व अपने भय को दे रहे। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का सामर्थ्य अवश्य पाओगे। हे प्रभु, आपने न केवल मेरी अभी तो मेरे भाइयों और इस क्षेत्र की भी रक्षा की। प्रभु, आपने यहां पधार कर इस उज्जैनी को पुण्य भूमि में परिवर्तित कर दिया। आपकी यहां आवश्यकता है प्रभु, ताकि दूषण जैसे दुष्ट से यह क्षेत्र सदैव सुरक्षित रह सके और आपके भक्तों का मार्गदर्शन हो सके। मैं आज से यहां इस ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करूंगा। और जो भी सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन और निस्वार्थ भाव से इसके दर्शन करेगा, उन्हें मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। महादेव 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 महादेव। ये स्थान चीर काल तक महादेव की ऊर्जा से संप्रेषित रहेगा। उज्जैनी का ये स्थल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव, 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 महादेव। शिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन की पावन भूमि में स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये दक्षिण मुखी है, इस कारण ये अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। काल को नियंत्रित करता हुआ कालोपरी ये ज्योतिर्लिंग जगत नियंता महाकाल का संसार पर दिव्य अनुग्रह है। ऐसा एक ज्योतिर्लिंग है जिसे एक प्रकार से नारायण ने ही बनाया और स्थापित किया है। एक प्रकार से
भगवान राम के रूप में अवतरित होकर महादेव के प्रति अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति हेतु। महादेव के प्रति अपनी भक्ति? ये तो मैंने तो सुना था कि तीनों समकक्ष विष्णु की भक्ति महादेव के प्रति। हाँ, क्योंकि महादेव नारायण के आराध्य हैं और नारायण महादेव के आराध्य। ये कैसी अनर्गल बात है ऋषि विप्लाद। विष्णु के लिए स्वयं ऐसी कौन सी आवश्यकता उत्पन्न हो गई कि उसे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी पड़े। लंका नरेश रावण सीता माता का हरण कर चुका था, श्री राम और उनकी सेना का युद्ध रावण और उसकी सेना से आरंभ होने वाला था, और तभी श्री राम की यह इच्छा हुई कि युद्ध से पूर्व वे पूजा करें। महादेव से विमुख होकर कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, महादेव से अधिक प्रिय मुझे कोई भी नहीं। मेरे हाथों से बनाया ये शिवलिंग रामेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। लक्ष्मण, जो भी मनुष्य गंगा जल लाकर रामेश्वर के शिवलिंग का अभिषेक करेगा उसे मृत्यु के पश्चात मेरा लोक प्राप्त होगा। युद्ध के अंतिम चरण में श्री राम के मन में दुविधा उत्पन्न होने लगी कि रावण की हत्या कर कहीं वो ब्राह्मण हत्या के पाप का भागी न बन जाए और उससे रघुवंश कुल की प्रतिष्ठा में सदैव के लिए कलंक न लग जाए। श्री राम ने लंका प्रस्थान करने से पूर्व महादेव का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन पाने हेतु उनसे प्रार्थना की। श्री राम द्वारा पुकारे जाने पर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम से कहा, राम, जो कर्मठ होता है उसके मन में संकोच का कोई स्थान नहीं होता। तुम्हारे मन में ये विचार आ रहे कि रावण का वध कर तुम रामन हत्या के पाप के भागी बन जाओ और इससे रघुवंश कुल की प्रतिष्ठा सदैव के लिए कलंक लग जाएगा, किंतु स्मरण रहे राम, यहां प्रश्न पाप और पुण्य का नहीं। तुम ये कार्य दुष्कृत्य का अंत करने हेतु कर रहे हो, ऐसे कर्म से कुल की सदगति होगी या अधोगति, ये तो केवल एक प्रश्न पर निर्भर करता है कि कर्ता ने इस कार्य को स्वार्थ भाव से किया है या वैराग्य भाव से। श्री राम के मन की शंकाएं दूर हुई। तत्पश्चात ब्रह्मदेव और देवर्षि नारद प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने उस स्थान को रामेश्वर महादेव का नाम दिया। उत्तम, अति उत्तम। महादेव के व्यक्तिगत जीवन में एक और पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, गंगा। कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसमें गंगा की और गंगाधर की कथा मिलती है। त्र्यंबकेश्वर अति उत्तम। महादेव के एक बहुत ही महान भक्त थे ऋषि गौतम। उनके समकालीन ऋषि पीताम्बर उनसे बहुत ही ईर्ष्या करते थे। पीताम्बर ने ऋषि गौतम को कलंकित करने का, अपमानित करने का प्रयास किया। त्र्यंबकवासियों, यही है आपका अपराधी।
इसी ने इस पवित्र कुंड के जल को अपवित्र किया है। हमारी वर्षों की तपस्या को भ्रष्ट करने का षड्यंत्र रचा है इस ऋषि गौतम ने। नहीं, मैं दोषी नहीं हूं। मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया है। क्या आज तक किसी अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार किया है? जो तुम मानोगे, लेकिन तुम्हारे अपराध का साक्षी तो ये कुंड है जिसके लिए तुम दंड के अधिकारी हो। लेकिन तुम्हारा दंड क्या होगा इसका निर्णय त्रिम्बकवासी करेंगे। मृत्यु। इस बार क्या किया महादेव? प्रतीक्षा ही की हो कि लोग गौतम ऋषि को मार दें, फिर मैं प्रकट होऊंगा। गौतम ऋषि को पुनर्जीवित कर मैं सब ठीक कर दूंगा। अपने भक्तों की रक्षा हेतु महादेव प्रकट हुए। जो पत्थर इसकी ओर फेंका जाएगा वही पत्थर फेंकने वाले की तरफ दुगनी तीव्रता से आएगा। अब देख क्या रहे हो, मारो। शुद्धता को दूर कर सकता है ऋषि। आप गंगा की आराधना कीजिए। ओम गंगाए नमः। ओम गंगाए नमः। ऋषि गौतम कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर लगाए गए कलंक को दूर करें। ये तो आपकी महानता है ऋषिवर, कि जिस क्षेत्रवासियों ने आपको इतना अपमानित किया आप उन्हीं के कल्याण हेतु प्रयासरत हैं। मैं तो त्र्यंबक क्षेत्र में अवतरण हेतु तत्पर हूँ, किंतु मेरे वेग को स्थिरता प्रदान करने और मेरी तीव्रता को जड़वत करने हेतु क्या त्र्यंबक क्षेत्र तत्पर है? यदि ऐसा संभव है तो मैं सदा के लिए वहां वास कर सकती हूँ। इसके लिए आपको शिव का आवाहन करना होगा। आपके अत्यंत आभारी है प्रभु। आपकी ही कृपा दृष्टि से आज मैं कलंक से मुक्त हुआ प्रभु। मेरा आशीर्वाद आपके और त्र्यंबकवासियों के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित होगा और गंगा के प्रथम धार से मेरा अभिषेक होने के पश्चात ये जन साधारण को समर्पित कर दिया जाएगा। इसका नाम त्र्यंबकेश्वर होगा। गंगा का नवीन नामकरण भी यहीं से होगा। इसे यहां गोदावरी के नाम से जाना जाएगा।
इस प्रकार त्रयंबक क्षेत्र में गंगा का अवतरण संभव हुआ और त्रयंबकेश्वर के नाम से यहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यहीं से गंगा गोदावरी और गोमती का रूप धारण करके प्रवाहित होती हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप यहां एक शिवलिंग स्थापन करें और सदैव यहां उपस्थित रहें और मुझ जैसे भ्रमितों का मार्गदर्शन करें। इस लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाएगा। किंतु प्रभु, ओंकार की प्रबलता गृहस्थ के लिए अत्यंत तीव्र है। शिवलिंग से प्रकट हुए इस लिंग को अमलेश्वर के नाम से जाना जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को संतुलित रखेंगे और जो भी यहां आएंगे उनकी ऊर्जाएं भी इन दोनों लिंगों के दर्शन से संतुलित होंगी। इसलिए वहां महादेव की ऊर्जा है, किंतु केवल महादेव की ऊर्जा ही नहीं अपितु नारायण और ब्रह्मदेव की ऊर्जा भी है, क्योंकि ओम में तीनों की ऊर्जा निहित है। किंतु आप किसके पशु अर्थात किसके जीव हैं? मुझे नहीं पहचाना, मैं हूं रावण। रावण? किंतु आप है कौन रावण जी? मूर्ख बालक, तेरे व्यर्थ के प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं मेरे पास। किंतु आप इतना बड़ा पहचान लेकर कहाँ जा रहे हैं? मूर्ख, यह पहचान नहीं शिवलिंग है। शिवलिंग अर्थात? स्पर्श मत करो। यू? तेरे मैले स्पर्श से यह पवित्र शिवलिंग अपवित्र हो जाएगा। इसमें मेरे आराध्य देव विद्यमान है। जा, जाकर अपने पशुओं को संभाल। तो आप क्या आराध्य इस पहचान में क्यों है? आपके आराध्य का नाम क्या है और आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? आप क्या आराध्य मुझे दिख क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। ये शिवलिंग तो अत्यंत भारी प्रतीत हो रहा है, आप इसे उठाकर धक तो नहीं गए?
भूख तो अवश्य लगी होगी, है ना? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो चला भोजन करने। आप जाइए। अच्छा भाई, अब तुम इतना कह रहे हो तो थोड़ा भोजन मैं भी कर ही लेता हूँ। आइए आइए खाइए। परंतु एक निवेदन है, मैं अपने आराध्य को भूमि पर नहीं रख सकता। यदि अपने हाथ से खिला सको तो बड़ी कृपा होगी। अवश्य। भोजन तो समाप्त हो गया रावण जी। अब मैं शीतल जल का सेवन करूंगा। थोड़ा मेरे लिए भी। रावण जी, जल भी समाप्त हो गया। एक प्यासे को जल नहीं पिला सकते, कैसा आचरण है तुम्हारा? क्षमा करें रावण जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं आपके लिए अभी जल लेकर उपस्थित होता हूँ। हे वरुण देव, मैं शिवांश पार्वती नंदन गणेश आपका आह्वान करता हूँ। ये लीजिए रावण जी, आपके लिए स्वच्छ जल। इतनी प्रतीक्षा करवाई तुमने, कहाँ से जल लाने गए थे? क्षमा कीजिए रावण जी, और क्रोधित ना हो, ये जल ग्रहण करें। कारण कितना विलंब हुआ, यदि अब तक चलता रहता तो कितना दूर निकल गया होता। प्रभु, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? यदि हो तो संकोच न कीजिएगा, उस मूर्ख बालक के कारण विलंब हुआ, अन्यथा हम तो लंका पहुंच भी गए होते। इस समस्या को भी अभी उत्पन्न होना था। क्या करूं मैं, इस अवस्था में लंका पहुंचना तो असंभव है। इस समस्या का कोई निवारण तो खोजना ही होगा। यदि इस वन में कोई मिल जाए जो कुछ क्षणों के लिए ही इस शिवलिंग को पकड़ ले, तो मैं अपनी समस्या से मुक्ति पा लूं।
बैजू। बैजू जी, श्री बैजू जी, आप कितने दयालु हैं। आप मेरे लिए जल लेकर आए और मैं आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाया, परंतु मैं एक समस्या में घिर गया। लगता है जल ग्रहण कुछ अधिक ही हो गया। आपकी सहायता चाहिए। यदि आप कुछ क्षण के लिए इस शिवलिंग को पकड़ ले तो। लघु शंका निवारण हेतु हुआ, बड़ी कृपा होगी। नहीं नहीं, आप ही नहीं तो कहा था कि मैं इस शिवलिंग को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे हाथ अपवित्र है ना, भूल गए क्या? मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। और मेरा भी। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं 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 बैजू जी, ऐसा मत कहिए। आप तो मुख से ही अत्यंत उदार प्रवृत्ति के प्रतीत होते हैं। इस संकट के समय सहायता कीजिए। कहते हैं अतिथि देवो भवा, और आपके इस वन में मैं तो आपके अतिथि के समान ही हुआ ना। अतिथि की सेवा सहायता तो पुण्य का कार्य होता है। किंतु ये पुण्य अत्यंत भारी प्रतीत हो रहा है। हाँ भारी है बहजू जी, परंतु इतना भारी भी नहीं कि आप कुछ क्षणों के लिए इसे ना उठा पाए। वैसे देखने में आप भी कुछ कम हृष्ट पुष्ट नहीं है। ठीक है, देखिए ये ले। एक निवेदन और है, इस शिवलिंग को भूमि पर मत रखिए। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों? मुझे वापस भी तो लौटना है अपने पशु लेकर। सूर्यास्त होने के पूर्व यदि आप नहीं लौटे तो मैं शिवलिंग को यही रखकर प्रस्थान कर जाऊंगा। सूर्यास्त होने में तो अभी समय शेष है, मैं उससे पहले ही आ जाऊंगा। अरे संभालो। वास्तव में भी बहुत भारी है। हाँ है, परंतु इतना नहीं। धैर्य से, मैं बस गया और आया। ये लीजिए। वनदेव, रावण पिताजी को अपने साथ लंका ले जा रहा है, मुझे उसे रोकना है। त्रिषित होकर जल के लिए व्याकुल है। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी प्यास बुझाएं, किंतु ऐसे कि उसे आभास ही ना हो कि वो कितना जल ग्रहण कर गया। मैं इस कुंभ में इस जलाशय को एकत्रित करके भर दूंगा। इस जल को ग्रहण करते ही रावण के भीतर ये जलाशय अपना वास्तविक रूप फैलने लगे, और फिर रावण को अपने कष्टों से मुक्ति पाने हेतु शिवलिंग को भूमि पर तो रखना ही होगा। दिया था ना मैंने आपको, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। रावण को दिया वचन भी तो पूर्ण करना होगा कि मैं शिवलिंग को सूर्यास्त तक ही संभाल पाऊंगा, और यदि रावण सूर्यास्त तक नहीं आया तो मैं। अरे कहाँ रह गए?
बस आया, अभी आया। हो गया? बस बैजू जी, कुछ ही क्षण और। स्थल पर रावण को रोका है, आज से स्थल बैजनाथ के नाम से जाना जाएगा। नहीं प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रभु, मैं आपको अपने साथ लेकर लंका अवश्य जाऊंगा। मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया था प्रभु, यह पाषाण शिवलिंग क्या है? रावण, यदि तुम्हें अपनी भक्ति पर अहंकार नहीं होता तो तुम मुझे लंका में स्थापित करने में अवश्य सफल होते। तुम विद्वान हो, किंतु तुम ये नहीं समझ पाए कि अभिमान का परिणाम सदैव अनर्थकारी होता है। श्री राम ने रावण से युद्ध में कुंभकर्ण का वध किया था, याद है आपको? अवश्य याद है ऋषि विप्लव, आगे कहीं। ये कथा उसी कुंभकर्ण के पुत्र भीमा से संबंधित है। बताइए माँ, कौन था जिसने मेरे पिता का वध किया है? ठीक है पुत्र, तुम सत्य जानना चाहते हो ना? तुम्हारे पिता कुंभकर्ण का वध उसी युद्ध में उसी के द्वारा हुआ था जिसने तुम्हारे पिता के बड़े भाई लंकापति रावण का वध किया, नारायण के मानव अवतार राम। मैं ये प्रण लेता हूं कि एक दिन मैं विष्णु को पराजित कर अपने पिता के वध का प्रतिशोध लूंगा।
देवाय नमः। ॐ ब्रह्म देवाय नमः। ॐ ब्रह्म देवाय नमः। ॐ ब्रह्म देवाय नमः। ब्रह्मदेव, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अत्यधिक बलशाली और बलवान बन सकूं। केवल वही नहीं, मेरी मृत्यु शक्ति द्वारा कदापि ना हो जिसने मेरे पिता का वध किया। हाँ, विष्णु या विष्णु का कोई भी अवतार मुझे परास्त ना कर सके। उचित है भीमा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं तथा विष्णु, तुम्हारा अंत आने वाला है। अंत तो वरदान प्राप्त करने के पश्चात भीमासुर ने किया क्या? अहंकार, अपने वरदान की शक्ति का अहंकार जो सबको होता है। भीमासुर ने एक महान शिवभक्त राजा कामरूपेश्वर के राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। भीमासुर ये नहीं समझ रहा था कि किसी के शरीर को बंदी बनाया जा सकता है, भक्ति को नहीं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति अभिव्यक्त होने का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवा। कामरूपेश्वर, तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे बंदी हो और तुम्हारी श्वास जो चली है तो केवल इसलिए कि मैंने उसे अनुमति दी है। तुम यहां किसी भी देवता की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। भीमासुर, महादेव की भक्ति त्याग कर जीवित रहने से तो अच्छा है कि तुम हमें मृत्यु दे दो, किंतु तुम एक भक्त को मार सकते हो, उसकी भक्ति का नहीं। कामरूपेश्वर, अभी मैं तेरी इस भक्ति का अंत करके दिखाता हूं। नहीं, भीमासुर सोच रहा है कि वो शिवलिंग को खंडित करके महादेव को अपमानित कर देगा, किंतु वो ये नहीं जानता कि महादेव को ना अपमान का भय है और ना सम्मान का मोह। वो उनकी तटस्थता से अवगत नहीं है। किंतु प्रभु, जब महादेव साधना में है तो भीमासुर को इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलना चाहिए। मेरे प्राण ले लो, मुझे मृत्यु दे दो, परंतु शिवलिंग पर प्रहार मत करो भीमासुर। भीमासुर, नारायण, अच्छा हुआ कि तुम स्वयं यहां चले आए, क्योंकि एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। प्रतिशोध, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं।
ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया है विष्णु, वरदान। मैं यहाँ कुछ बिगाड़ने नहीं आया भीमासुर, केवल महादेव के भक्त की रक्षा करने आया। नारायण नारायण, ब्रह्मदेव के वरदान का ऐसा दुरुपयोग। हे महादेव, इस दुष्ट को रोकिए प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्षमा चाहता हूं महादेव, किंतु एक समस्या उत्पन्न हो गई है। भीमासुर को जो मैंने वरदान दिया वो उसका दुरुपयोग करने लगा है। आपकी एक महान भक्त काम रूपेश्वर को उसने बंदी बना लिया है, उसकी हत्या करना चाहता है, और जब नारायण उसकी सहायता करने हेतु वहां पहुंचे तो नारायण पर भी प्रहार कर रहा है महादेव। मेरे द्वारा दिए गए वरदान का सम्मान करने के लिए नारायण उस पर प्रहार नहीं करेंगे, किंतु भीमासुर को उसके दुष्कृत्य और दुस्साहस का मूल्य तो चुकाना होगा महादेव। जब भस्मासुर ने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया था तो नारायण मेरी सहायता हेतु आए थे, और अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं नारायण की सहायता करूं। विष्णु, मैंने प्रण लिया है तुम्हें युद्ध में परास्त करके मैं अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध, और इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, युद्ध। क्या हुआ विष्णु, ब्रह्मदेव के वरदान से भयभीत हो गए क्या? भयभीत नहीं भीमा, निराश अवश्य हुआ। तुमने इतने महत्वपूर्ण वरदान का अपमान किया, उसका दुरुपयोग किया, किंतु मैं उस वरदान का अपमान नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें इतना अवश्य कह सकता कि तुम इसी क्षण अनुचित का मार्ग त्याग कर उचित मार्ग पर चल सकते हो, यदि तुम चाहो। मेरे मार्ग का चयन तो तुमने वर्षों पूर्व मेरे पिता के वध के साथ ही कर दिया था, अब तो लक्ष्य प्राप्त करने का समय आ गया है विष्णु, समय आ गया है।
महादेव, और तुमने अन्याय किया ना? अन्याय तुमने स्वयं किया है अपने साथ भीमासुर। ये सत्य है कि श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का वध हुआ था, किंतु ये सत्य पूर्ण सत्य नहीं, ये अर्ध सत्य है। और तुमने इसी अर्ध सत्य के आधार पर अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। प्रतिशोध के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यदि तुम्हें यह ज्ञात होता कि तुम्हारे पिता ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्वयं श्री राम को नमन किया था, तो क्या तब भी तुम इसी मार्ग का चयन करते भीमासुर? दाश्री, दाश्री ने श्री राम को नमन किया? हाँ भीमासुर, कुंभकर्ण ने ये मृत्यु दी, श्री राम का आशीर्वाद समझकर स्वीकार की, हत्या समझकर नहीं। किंतु क्रोध, प्रतिशोध और अहंकार में तुमने संपूर्ण सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं किया भीमासुर, और वरदान का दुरुपयोग करने लगे। और इस प्रकार महादेव ने भीमासुर के क्रोध और अहंकार का अंत किया। और ज्योतिर्लिंग, उसकी स्थापना कैसे हो? हे प्रभु, आपने अपने भक्त की रक्षा की, मेरी भक्ति का मान रखा। प्रभु प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप सदैव इस स्थान पर स्थापित होकर इसी प्रकार अपने भक्तों का उद्धार करते रहें, ताकि कोई भी बुराई उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा को खंडित ना कर सके। प्रभु, महादेव, आप अपने भक्तों के संरक्षण हेतु, उनके उद्धार हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। आज आपने ना केवल भीमासुर के अहंकार का नाश किया, अपितु ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखने हेतु मेरी सहायता भी की। इसी कारण से मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि स्थान पर आपकी ऊर्जा सदा ही स्थापित रहे। पवित्र स्थान को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। वरदान का अपमान महादेव ने नहीं, तुमने किया है दारुका।
उसे शोषण का साधन बना के आज यहां जो भी हो रहा है वो परिणाम है तुम्हारे स्वार्थ का, तुम्हारी महत्वाकांक्षा का। तुमने न केवल मनुष्यों को कष्ट पहुंचाया है, अभी तो असुरों की इस अवस्था का कारण भी तुम ही हो। जगत कल्याण के आवरण में तुमने इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मंशा हमसे छुपाई और तुमने इस प्रकरण में महादेव का, हमारे स्वामी का अपमान करने का दुस्साहस किया है दारुका। मां, कदाचित मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए मां, मैं आसुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती, मैं तो केवल केवल उनका उद्धार करना चाहती हूं मां। यदि तुम्हें क्षमा मांगनी ही है तो महादेव से मांगो। तुमने उनका अपमान किया है और अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु, मैं अहंकार में बह गई थी, मुझे अपने मूर्खता का आभास ही न हुआ। परिश्रम का उद्देश्य केवल जीवी को उपार्जन होता है दारुका। और उसे उसी तक सीमित रहना चाहिए। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है और उससे हमारी शुदा मिटती। किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की शुदा को मिटाना नहीं होता, हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म ईश्वर के और समीप आना। और ये केवल आत्मा के विकास से ही संभव है, और आत्मा का विकास केवल चिंतन, मनन, संगीत और सत्संग से ही संभव होता है। आत्मा का यही विकास मनुष्य को उसकी मनुष्यता से उबार कर ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। इसलिए केवल ये सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी, ये उचित नहीं। तुम ये कैसे भूल गए कि स्वयं शक्तिशाली बनने हेतु, वरदान प्राप्त करने हेतु तुमने पार्वती की तपस्या की। क्या तुम अपनी तपस्या को आलस्य का उदाहरण मानोगे? इतना प्रयास शारीरिक परिश्रम हेतु करना पड़ता है, उससे कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता मानसिक व आध्यात्मिक कार्य में होती। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। अपने आराध्य में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। समर्पण सरल नहीं है दारुका। भूल केवल दारुका से ही नहीं, तुमसे भी हुई है सुप्रीम। तुम्हारे लिए वे इस प्रसंग से कुछ समझना आवश्यक है। जीवन के महत्वपूर्ण चार स्तंभ हैं।
फल अर्थ काम और मोक्ष चारों की महत्ता एक समान होती। केवल धर्म के लिए शेष तीनों उद्देश्यों से विमुख हो जाना ये उचित नहीं और ये ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं। यदि केवल धर्म को महत्ता दी जाए तो संतुलन उत्पन्न होता। परिणाम स्वरूप जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता, वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे। किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस कर जो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास कर। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है दारुका, और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। निडर और निसंकोच होकर पार्वती से क्षमा मांगो। दारुका, स्वामी ने कहा ना जब अपनी भूल का आभास हो जाए तब तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा, इसलिए मैं यहां ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा नागेश्वर बन के। महादेव 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 दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भटके हुए मनुष्यों को सही दिशा प्रदान कर सको। उन्हें उनके कर्तव्य उनके उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु प्रेरित कर सको। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर दूर। यहाँ महादेव को नागेश्वर और माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा व रुद्र अभिषेक स्वयं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे। द्वारका शिला से बने इस शिवलिंग में चक्र पाए जाते हैं, इसलिए देखने में ये शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के समान प्रतीत होता है। सच्ची श्रद्धा से इस शिवलिंग के दर्शन पाकर मन का विष समाप्त हो जाता है। कल्याण हो पुत्र, अनंत शिव।
यहाँ हमने कितना समय व्यतीत किया है। और हमें हमारा पुत्र भी यहाँ मिला है। हाँ पार्वती, इसलिए हम सदैव यहाँ विद्यमान रहेंगे ज्योतिर्लिंग के रूप में। ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक पूर्णिमा व अमावस्या के दिन हम यहाँ अवश्य आएंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें देवी पार्वती और महादेव सम्मिलित रूप से स्थापित हैं। मल्लिका देवी पार्वती है और अर्जुन महादेव है। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र तपस्वियों ऋषियों सिद्धों और देवताओं की निवास भूमि, पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक तपस्या की है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्री नर और नारायण भगवान विष्णु के ही दो अवतार थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात महादेव उनके सामने प्रकट हो गए। नर, नारायण, तुम दोनों की तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, मनोवांछित वरदान मांगो। हे चिदानंद मूर्ति, हे विश्व मूर्ति, हे करुणामय, हे देवों के देव, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। जिस सुख और परम आनंद की अनुभूति इस समय हमें हो रही है, हम दोनों की भी यही इच्छा कि इसी सुख और परम आनंद की अनुभूति आपके अन्य भक्तों को भी हो। हे करुणा स्वरूप, हे प्रकाशकों के प्रकाशक, हे शंभु, हे दयानिधे, हम दोनों की केवल एक ही इच्छा है कि आप कैलाश की ओर जाने वाले इस मार्ग पर अपने स्वरूप को स्थापित करें, ताकि यहां से जाने वाले सभी भक्त कैलाश से पूर्व भी आपके दर्शन पा सके, आपकी ऊर्जाओं का अनुभव कर सके। शिवा,
आज से लेकर चिरकाल तक केदार श्रृंग पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ के नाम से जाना जाएगा। यहां आकर मेरा दर्शन पूजन करने वाले भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होगी, अचल शिव भक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कहिए आज कौन से ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना चाहेंगे आप? कोई ऐसे ज्योतिर्लिंग की कथा जिसमें केवल महादेव शक्ति का वर्णन, उनके बल का वर्णन हो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु को जीवन में परिवर्तित नहीं कर सकता, असंभव है ये, है ना ऋषि प्रहलाद? क्या आपके महादेव के लिए ये संभव है? वो इस विकल्प का चयन नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि वो चाहे तो चयन अवश्य कर सकते हैं, है ना? महादेव नियति के विरुद्ध कुछ नहीं करते हैं। किंतु ऋषि प्रहलाद, यदि वो चाहे तो कर सकते हैं या नहीं? महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उत्तम, अति उत्तम। तो क्या इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं में कोई भी ऐसी कथा है जिसमें स्वयं महादेव ने मृत व्यक्ति को जीवित किया? हाँ है। तो कहिए ऋषि पिपला, कौन सा ज्योतिर्लिंग? घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर। दक्षिण में एक ब्राह्मण था सुधर्म, और उसकी पत्नी सुदेहा। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वे दोनों ही महादेव के परम भक्त थे। सुदेहा को ये दुख था, ग्लानि थी कि वो सुधर्म को संतान सुख देने हेतु असमर्थ है। सुदेहा ने सुधर्म से विनती की कि वो उसकी छोटी बहन घुष्मा से विवाह करे ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। घुष्मा महादेव की भक्त थी, अत्यंत कोमल स्वभाव की। महादेव की आराधना किए बिना वो जल भी ग्रहण नहीं करती थी। अपने कोमल स्वभाव के कारण ही वो सुधर्म की अत्यंत प्रिय हो गई। जब सुदेहा को इस बात का आभास हुआ, उसे अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। धीरे धीरे ये ईर्ष्या इतनी बढ़ी कि सुदेहा महादेव की भक्ति करना ही भूल गई। शीघ्र ही घुष्मा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया सुकर्म। अब सुधर्म का परिवार संपूर्ण परिवार बन गया था और सुदेहा की ईर्ष्या चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। सुकर्म बड़ा हुआ तो सुधर्म ने उसका विवाह कर दिया। जिस सुखी जीवन की कल्पना सुदेहा ने की थी, उसकी प्राप्ति उसे नहीं अपितु उसकी बहन और उसके पति को हो रही थी। पुत्र के विवाह उपरांत उन्हें सास और श्वशुर बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, परंतु सुदेहा के लिए सुकर्म प्रतीक बन गया था
उसके दुख का, उसका अधिकार छीन जाने का, उसकी महत्ता कम होने का उसने सोचा। यदि वो सुकर्म का ही अंत कर दे तो सुदेहा और घुष्मा के सुखों का भी अंत हो जाएगा। सुदेहा ने सुकर्म की हत्या कर दी और सुकर्म के मृत शरीर को उसी कुंड में प्रवाहित कर दिया जिसमें घुष्मा शिवलिंग का विसर्जन करती। इतनी पीड़ा सहकर भी घुष्मा की भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। जब उसके पुत्र का दाह संस्कार होने वाला था तब भी घुष्मा महादेव की आराधना कर रही थी। उसी भक्ति श्रद्धा और संपूर्णता के साथ उसके उद्धार हेतु महादेव ने उसे दर्शन दिए। प्रभु, मैंने बहुत से भक्त देखे किंतु तुम्हारे निस्वार्थ भक्ति, तुम्हारा समर्पण और वो भी अपने पुत्र की मृत्यु के समय, क्या अतुलनीय। कहो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। प्रभु, जिसने आपके दर्शन पा लिए उसे और क्या चाहिए। सुदेहा ने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया, इसके अपराध का दंड से अवश्य मिलेगा। कहो कुछ, क्या दंड दूं मैं इसे। प्रभु क्या, प्रभु मुझ जैसी दुष्टा को जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। प्रभु दीदी को क्षमा कर दीजिए। यदि उन्हें बोध होता कि ये कितना बड़ा पाप है तो वो ये कदापि नहीं करते। क्षमा करना अत्यंत कठिन होता है खुश, और वो भी ऐसे अपराध की। किंतु जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुमने अपनी दया का प्रमाण देकर अपनी सच्ची भक्ति को सिद्ध किया, और मैं अपने सच्चे भक्तों की पीड़ा कभी सहन नहीं कर सकता। वो देखो खुश, कोई लौट के आया है। खुश, तुमने अभी तक मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा। मेरी एक ही इच्छा है प्रभु, कि जैसे आपने मेरा दुख दूर कर दिया और जैसे मेरी बहन की ईर्ष्या को दूर कर दिया, वैसे ही इस संसार का सारा दुख दूर होता रहे प्रभु, सबको आपका मार्गदर्शन मिले। इसीलिए प्रभु मैं आपसे यही मांगती हूँ कि आप यहीं पे वास कीजिए। धन्य हो कुछ, तुम्हारे मन में संसार के कल्याण की प्रतिभावना वास करती। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पवित्रता के कारण मैं सदैव यही रहूंगा। अनंत काल तक ये समस्त संसार तुम्हारी करुणा का स्मरण करता रहेगा। इसलिए ये धाम खुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इस प्रकार महादेव ने एक भ्रमित भक्त को ईर्ष्या से मुक्त किया और दूसरे भक्त को आशीर्वाद दिया। सृष्टि के निर्माण उपरांत एक बार नारायण ने तप के लिए महादेव से उत्तम स्थान के निर्देश की याचना की। महादेव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगरी का निर्माण किया। वहां उपस्थित होकर
नारायण ने बहुत काल तक तपस्या की। नारायण की तपस्या के अनंतर ही उस क्षेत्र में महादेव की कृपा से अनेक नदी नद सरिताएं उत्पन्न हुई। सबको देखकर आनंदमयी हो उठे नारायण ने जैसे ही अपना शीश हिलाया उनके कान की मणि गिर पड़ी। मणिकर्णिका के उस पंचकोश वाले विस्तृत क्षेत्र को महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया। महादेव ने अपनी शक्ति से उस पंचकोशी तीर्थ को सभी 14 लोकों से पृथक रखा और आगे इन सब से अलग उसको मृत्युलोक में स्थापित किया। नारायण की यमणि का तक हमारे द्वारा निर्मित इस विश्व में स्थान पाए और सभी जीवों को हमारी ओर लाने का साधन बने। महादेव, आपने कहा था कि आप इसे इस लोक में स्थापित करेंगे। अब समय आ गया है। महादेव की कृपा से उस मणिकर्णिका का विस्तार पंचकोश तक हो गया। ये मणिकर्णिका पंचकोश की काशी बनकर इस पृथ्वी पर सदैव रहे। ये अविनाशी चिरकाल तक सृष्टि के अंत के पश्चात इसका अंत नहीं होगा। ये भूमि मुझे सदैव प्रिय रहेगी। क्या तप करके स्वयं नारायण तीनों लोकों को प्रकाशित किया
इसीलिए ये मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं इसे कभी भी नष्ट और विनष्ट नहीं होने दूंगा। ब्रह्मदेव, जब संसार के आवर्तन के पश्चात प्रलय आएगा, मैं इस काशी को पुनः अपने त्रिशूल पर धारण करूंगा और नवीन संसार में पुनः स्थापित करूंगा। और यहां मेरा अस्तित्व सदैव रहेगा। महादेव ने उस क्षेत्र से अपने आत्मिक योग को ध्यान में रखते हुए अपने ज्योतिर्लिंग को वहां स्थापित किया, जो इस क्षेत्र से कदापि पृथक नहीं हो सकता। विश्व की स्थापना तो हुई, किंतु इस ज्योतिर्लिंग को आपने उस स्थान पर स्थापित किया है जिसकी ऊर्जाएं विश्व से परे। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। महादेव उस काशी को अपने त्रिशूल पर प्रलय और अनिष्ट की स्थिति में धारण कर उसका संरक्षण करते रहते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र सभी लोगों से न्यारा है। नारायण की मणि गिरते ही उस स्थान का नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। वो स्थान काशी में अब भी है लोहितांग।